मुश्किल कानूनी मसाइल से डील करने के लिए आपको जरूरत है एक ऑथेंटिक लॉ फर्म की, एक ऐसी फर्म जो मजबूत और पॉजिटिव रेपुटेशन रखती हो। आपको जरूरत है ज़ैक सॉलिसिटर्स की, जिसकी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेयंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए ज़ैक एसोसिएट्स सॉलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208-478-1391। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। द लॉ शो, जैसा कि आपको मालूम है, हर ट्यूसडे को 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। इसमें मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ। आपको किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझे वक्त इजाज़त देता है मैं आपको गाइड कर सकूं। जनरली स्पीकिंग हमारे जो इस प्रोग्राम में कॉलर्स होते हैं इमिग्रेशन के हवाले से ही ज़्यादातर सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपका इसके अलावा भी कोई लीगल मसला है तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन में स्टूडियो का नंबर, जो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है स्टूडियो का, इसी नंबर पर इस वक्त आप लाइव मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी मुझसे प्रोग्राम में बात नहीं हो सकती तो मेरा ईमेल एड्रेस वक्तन फ़ोक्तन स्क्रीन पे आता है, ख़ास तौर पे जब हम ब्रेक पे जाते हैं और प्रोग्राम के आखिर में। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं मलिक बात कर। मलिक साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मिसेज का वीजा अप्लाई करना था FLR M पे, सेट M का मैंने वीजा अप्लाई करना है, तो उसमें आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट हायर एंड मिसेज सेल्फ एम्प्लॉयड मेकअप आर्टिस्ट। मैं पूछना था उसकी 18,600 पूरे हो रहे हैं दोनों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला के, ये 2018-19 वाले अप्रैल में, तो फिर एम्प्लॉयमेंट देने की, एम्प्लॉयमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो शी इज एम्प्लॉयड इज वेल। तो मतलब 18,600 अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एक बात ये पूछनी थी जी, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि यू नो मैंने मेक एन अपॉइंटमेंट, मैं सोच रहा हूँ 13 अगस्त को अप्लाई करना है, तो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर प्लीज समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लीज अप्लाई डायरेक्ट। आप उनका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है ये चीज, ये बस ये समझा दें, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप उनका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है? वीजा हो रहा है सितंबर को, तो 28 दिन पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, 28 दिन पहले। अच्छा, देखिए जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर बेशक उनकी रिक्वायरमेंट आप दोनों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पूरी हो रही है, लेकिन अगर आपकी वाइफ एम्प्लॉयड भी हैं तो उनको मेंशन करना चाहिए, फॉर्म में ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि अगर वो एम्प्लॉयड भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, दोनों उनको मेंशन करनी चाहिए और दोनों के इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन देनी चाहिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, जब आप उनकी वीज़े को ख़त्म होने में 28 दिन रह जाते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं। और प्रोसीजर उसका यह है कि ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर आप उस वक्त फिर आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, वो भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल होती है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं जब आपको कन्वीनियंट हो, और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स या तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं वहाँ पे जाने से पहले, और अगर आपको वो ऑप्शन नहीं देते तो फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लेके जाते हैं। रिक्वायरमेंट के हवाले से उन्होंने 2.5 साल का, लास्ट 2.5 ईयर्स का आप लोगों ने प्रूफ लगाना है कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे थे। अर्निंग की तो आपको मालूम ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आपके हैं तो आपके टैक्स रिटर्न्स लगेंगे 2018-2019 के, जिसमें भी आपने बताया 2019 टैक्स ईयर का जो लास्ट टैक्स आपका पीरियड है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सेल्फ सॉरी टैक्स रिटर्न्स, उसके अलावा उसी पीरियड के बिजनेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स, अकाउंटेंट के लेटर, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आप जनरली स्पीकिंग लगाएंगे, और उसके अलावा इंग्लिश का B1 की रिक्वायरमेंट है, और लाइफ इन द UK टेस्ट आपकी वाइफ को करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं शाहिद बोल रहा हूँ।
जी शायद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जाकिर साहब, बेसिकली मेरे दो सवाल है। जी पहला सवाल ये है कि मुझे ब्रिटिश स्पाउस पे वीजा है, मतलब मैं ब्रिटिश स्पाउस का स्पाउस हूँ और मुझे यूरोप जाना है, तो मुझे वीजा लेना पड़ेगा या मैं बस मैरिज सर्टिफिकेट लेके तो जी आपको वीजा लेना पड़ेगा, आपको वीजा लेना पड़ेगा, खासतौर पे आजकल के हालात में जब ब्रेग्जिट की सिचुएशन चल रही है, इज बेटर आप जहाँ पे जिस यूरोपियन कंट्री में जाते हैं वहाँ पे वीजा लेके आपको जाना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरी एक्सटेंशन आएगी तो मुझे क्या क्या मतलब उनको शो करना पड़ेगा? अच्छा, आपके देखें आप स्पाउस वीज़े पे हैं, आपको जब एक्सटेंशन के लिए आप जाएंगे आपको अपने लास्ट 2.5 ईयर्स का प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं 2.5 ईयर्स से, मुख्तलिफ चीज़ें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके बिल्स, मे बी डॉक्टर का रिकॉर्ड, जस्ट टू कन्फर्म कि उस आप लोग दोनों आप लोगों की मैरिज सबसिस्टिंग है। उसके अलावा अर्निंग की रिक्वायरमेंट है 18,600 की, अगर आप या आपकी वाइफ एम्प्लॉयड हैं तो फिर उस सिलसिले में लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसकी अलग डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ती है। अभी आपसे पहले जो कॉलर थे उनको मैंने जब जवाब दिया था तो उसमें एक्सप्लेन कर दिया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और फिर चूँकि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे इनडेफिनिट के लिए नहीं, तो A2 इंग्लिश A2 की रिक्वायरमेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जी कुलविंदर बोल रहा हूँ। कुलविंदर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल था आपसे, है ना, मैं 2009 में जहाँ पर आया था जी जी, तो स्टूडेंट वीजे पे आया था जी जी, तो उसके बाद वो मैंने एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई किया तो कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया 2011 में, तो ऐसे करते करते जी मेरा केस चलता रहा, तो मैं 2017 में विन कर गया केस, तो अभी भी मेरा स्टिल केस चल रहा है, तो मुझे नियरली 10 ईयर हो चले हैं अभी जी, तो वो अभी मैं कोई एलिजिबल हूँ किसी लाइक करने? देखें अगर आप कुलविंदर साहब, अगर आप थ्रू आउट 2009 में आपने बताया था ना कि आप आए थे, तो, हाँ 2009 में आया जी, तो अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे यानी कि आपका केस चल रहा था, आप अपील प्रोसेस था अभी, अपील प्रोसेस मैंने सभी कुछ किया था, तो 2017 में मैं विन भी कर गया था, कोई का मसला हो गया, तो उसके बाद अभी अभी भी केस मेरा कंटिन्यू है, तो वो चल रहा है, तो जी जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं, आपका अगर अपील प्रोसेस चल रहा था और आप अगर थ्रू आउट लीगल रहे हैं, तो फिर आपको जब 10 साल हो जाते हैं तो आप उस बेसिस पे इनडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने की ये है कि आप थ्रू आउट लीगल हुए हों, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि कभी आपका वीज़ा ख़त्म हुआ हो, आपको अपील राइट ना मिला हो, फिर आप जुडिशल रिव्यू पे गए हों, वहाँ पे आपका केस हुआ नहीं हुआ, तो ये देखने की चीज़ें, बेहतर है कि आप किसी वकील के पास जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि इन शॉर्ट एज लॉन्ग एज आप थ्रू आउट अपील मतलब लीगल रहे हों, आप कभी ओवर स्टे ना रहे हों, अब अगर आपको 10 साल हो गए हैं तो आप इनडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ सर, लंदन से। जाकिर साहब मेरे दो क्वेश्चन हैं। मैंने अपने भाई को पाकिस्तान से स्पॉन्सर किया था फैमिली विजिट वीजे के लिए जी जी, फर्स्ट टाइम में उनको रिफ्यूज कर दिया गया था, तो हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था जिसका हमें रिप्लाई ये आया कि वी एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ मटेरियल एरर, वी विल गिव यू अनदर रिकंसिडरेशन और उसका रिस्पॉन्स देंगे। मेरे क्वेश्चन ये हैं, इस सिलसिले के बाद कितने परसेंट चांस रह जाते हैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक और वीजा मिलने के, और दूसरा ये कि कितना टाइम लगता है इस लेटर के बाद के हमें कोई उनकी तरफ से रिप्लाई मिलेगा? देखें मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली के रिफ्यूजल पॉइंट्स क्या थे, लेकिन बहरहाल अगर होम ऑफिस ने या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर मैनेजर ने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि देर वॉज अ मटीरियल एरर, तो फिर ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि शायद वो अपने डिसीजन को अब चेंज करें, रिकंसिडर करके चेंज करें। हैविंग सेड दैट, ये भी हमने देखा है बाजुकत हुआ है कि जब दोबारा रिकंसिडरेशन होती है तो किसी और बेसिस पे एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो सकती है, तो इसलिए जब तक पूरा मुझे मालूम ना हो कि क्या रिफ्यूज़ल इश्यूज़ थे,
کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا گیا, کیا ڈاکومنٹیشن تھی نہیں تھی, اس لیے کچھ ایگزیکٹلی کہنا تو مشکل ہے. جنرلی اسپیکنگ جب وہ ریکنسیڈر کرتے ہیں ایسی سچویشن میں کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مٹیریل دیر واز اے مٹیریل ایرر, تو چانس ہے کہ ڈیسیجن فیوریبل آئے. جہاں تک ٹائم کی بات ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا, میں یہی بولوں گا کہ ود ان 3 months ہوپ فلی ان کا ڈیسیجن آ جانا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ سر میں شاہد بول رہا ہوں. جی شاہد صاحب بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے پاس دو سوال ہیں. فرسٹ مجھے پوچھنا تھا کہ میری کزن پاکستان سے آئی ہے, وہ برٹش ہے, تو انہوں نے 8 سال پہلے, وہ برٹش تھی, وہ 8 سال پہلے برٹش پاسپورٹ لے کے پاکستان گئی, انہوں نے وہاں شادی کر لی جا کے, اور وہ 8 سال تک یو کے نہیں آئی. جی, اور اب ان کے پاس 2 بچے ہیں, وہ یو کے آ گئی ہے اپنے بچوں کا برٹش پاسپورٹ وہاں سے لے کے. جی, جیسے بھی انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی وہاں ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے کروا کے وہ آ گئی ہے, اب وہ یہاں آئی ہے, تو اس کو اپنے ہسبینڈ کو کیسے بلانا ہوگا وہاں سے؟ دیکھیں, ہسبینڈ کو بلانے کے لیے ان کو شو یہ کرنا ہے, ان کو شو کرنا ضروری ہے کہ جب ہسبینڈ وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو وہ مینٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں, اور اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ان کی انکم 18,600 پاؤنڈ سالانہ ہو. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے پاس سیونگز ہوں, سیونگز منیمم جو ہے اگر کوئی کام نہ کر رہا ہو تو تقریباً 62,000-63,000 پاؤنڈس سیونگز ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تھرڈ پارٹی سپورٹ, یعنی کہ کوئی ان کے رشتہ دار, دوست, بہن بھائی, اگر وہ کام کر رہے ہیں یا ان کی سیونگز ہیں تو وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سپورٹ کریں گے فائنینشلی جب تک ان کے ہسبینڈ کو جاب نہیں مل جاتی. تو یہ مین چیزیں ہیں, لیکن آبویسلی ڈیٹیل میں بات کرنے والی سچویشن ہے. بہتر ہے کہ آپ ان کو بولیں کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں. ناظرین, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے. اگر آپ میرا ای میل ایڈریس نوٹ کرنا چاہیں تو اس وقت اسکرین پہ میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے, جس میں آپ مجھ سے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کدھر جائیے گا نہیں, ایک وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. یوکے میں کافی عرصے سے الیگل رہ رہا تھا, لیکن زیک سولیسٹرز کی پروفیشنل رہنمائی کی بدولت نہ صرف مجھے انڈیفینٹ ویزا ملا, بلکہ انہوں نے میری وائف کی سپاؤس ویزے کے لیے بھی میری مکمل رہنمائی اور مدد کی. زیک سولیسٹرز کی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ٹیم ہر طرح کی قانونی مسئلے میں آپ کی مشکل آسان بنا سکتی ہے. امیگریشن, فیملی, کنوینسنگ, لٹیگیشن یا کسی بھی قانونی مسئلے کے حل کے لیے زیک ایسوسیٹس سولیسٹرز سے فوراً رابطہ کریں. 0208-478-1391. ویلکم بیک ویورز, دی لا شو کے ساتھ زاکر خان حاضر ہے. آپ ہمارا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی, میرا نام انم خان ہے. مجھے آپ سے یہ کوسچن کرنا تھا کہ میرے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے جو کہ کمپلیٹ ہو رہا ہے 2020 میں, تو مجھے اس کے بعد انڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے, تو میں اس کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے لائف ان یو کے ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہوگی اور اس کی فیس کیا ہوگی؟ ریفیوجی اسٹیٹس کی آپ کی فیس نہیں ہوتی, اور جہاں تک لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کے تعلق ہے وہ آپ کو وہ بھی آپ کو کرنا ضروری نہیں ہے. جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گی تو پھر بہرحال آپ کو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کرنا پڑے گا. ابھی آپ کو انڈیفینٹ اپلائی کرنے کے لیے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ مجھے اگر یو ایس سے جانا ہوگا تو انڈیفینیٹ کے بعد یا نیشنلٹی کے بعد میں مجھے ویزے کی ضرورت ہوگی یو ایس جانے کے لیے؟ انڈیفینیٹ جب آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد تو آپ کو ویزے کی ضرورت ہوگی, لیکن جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو پھر بھی, مطلب ویزا تو نہیں ہوتا لیکن ان کا جو سسٹم ہے, آپ کو جو برٹش سٹیزنس کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایک آن لائن سسٹم ہے کہ پہلے جانے سے پہلے آپ کو وہ ایسٹا جیسے کہتے ہیں وہ لینا پڑتا ہے, لیکن ادروائز جب آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے, برٹش سٹیزن شپ, تو پھر ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی, ڈپینڈنگ کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ میں کمل میمی بول رہے ہیں جی, ادھر سے. جی جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟
جناب میں اٹلی سے آیا تھا, میرے کو 3 سال 3 مہینے ہو گئے اجرائے ہوئے. جی جی. میں میرے ساتھ میری فیملی آئی تھی, میری بیٹی ہے ابھی وہ 25 ایئر کی ہو گئی ہے, اور میرے سے ڈپینڈ تھی, ادھر آ کر اس کے لیے کارڈ لیا تھا جو ملتا ہے ہمارے ہم کو جاٹ پن کو. جی جی. ہمارے ڈپینڈ پر. جی جی. اب ہم نے اس کی شادی کرنی ہے انڈیا میں, اس کے پاس نیشنلٹی پاسپورٹ تو نہیں ہے اٹالین, اس کے پاس ادھر کا کارڈ ہے ادھر کا بھی کارڈ ہے. جی جی. ہم 5 سال کا کارڈ ہے یہ اس کے پاس. جی. وہ شادی کریں گے اس کے ہسبینڈ کو منگانے کے لیے ایسا ہوگا. دیکھیں اس میں ذرا تھوڑا سا ٹرکی معاملہ ہے, اس لیے کہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنس کی ضرورت ہے جو کہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے. ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ یورپین نیشنل ہیں, تو پھر ایز این ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ آپ کی بیسس پہ اپلائی کریں کہ آپ مطلب آپ کی جو بیٹی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ بھی ایز این ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر اپلائی کریں, تو وہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بہتر ہے کسی وکیل سے, کیونکہ وہ ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کرنے والی بات ہے, لیکن یہ ایک روٹ ہو سکتا ہے. ادروائز جب تک آپ کی بیٹی کو پرماننٹ ریزیڈنس نہیں مل جاتا تو وہ اپنے بیسس پہ اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ نہیں بلا سکتی, ان کو آپ کے بیسس پہ بلانا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی شفیق بول رہا ہوں, برٹش نیشنل. صرف ایک بات پوچھنی ہے. جی جی. کہ جو یہ ہمارا پاسپورٹ ہے مجھے اسپاؤس کے تھرو ملا تھا, آئی مین اسپاؤس ویزے پہ میں آیا تھا, اس میں کوئی فرق ہے کہ کوئی پیدا ہو یا کوئی وائٹ اسکن کا ہو یا کوئی اسپاؤس سے پاسپورٹ لے, پاسپورٹ میں کوئی ڈفرینس ہے؟ نہیں, پاسپورٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. پاسپورٹ جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو سب ایکول ہیں. کیونکہ امریکہ میں ہے نا کہ جی یہ جی امریکہ کا تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان میں ڈفرینس ہے. جہاں تک میرا خیال ہے وہاں پہ بھی جب آپ یو ایس سٹیزن ہو جاتے ہیں تو پھر شاید اتنا فرق میرا نہیں خیال کہ سٹیزن میں فرق ہوتا ہے, لیکن میں امریکہ تک کا تو نہیں کہہ سکتا. یہاں کا برٹش کا جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, چاہے آپ جاپانی ہوں, ہندوستانی ہوں, پاکستانی ہوں یا یہاں کے گورے ہوں, سب کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ انٹرسٹنگ سوال تھا لیکن بہرحال نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ میرا نام شازی ہے. میں نے پتا کرنا تھا, میرے پاس ریلیٹیو رائٹ ہے زمرانوں پہ, مجھے الاؤ ہوا تھا 2016 میں, تو میں پتا کرنا چاہ رہی ہوں کہ سیٹل اسٹیٹس پہ مجھے مل سکتا ہے کہ مجھے پری سیٹل اپلائی کرنا پڑے گا؟ ابھی تو آپ کو پری سیٹل اپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ 5 سال تو نہیں ہوئے نا آپ کو. جی جی. تو آپ کو پری سیٹل سٹیٹس ہی اپلائی کرنا پڑے گا. اور میرے ہسبینڈ کے پاس ابھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے, تو وہ میرے بہاف پہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ اپلائی؟ آپ کے ہسبینڈ کے پاس ابھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے, ان کے لیے کبھی اپلائی نہیں؟ کیونکہ یہ جب انہوں نے کیا تھا تو اس میں انہوں نے ایڈلٹ اور ڈیپینڈنٹ کا سیکشن نکال دیا تھا, تو صرف میرے پاس میرے بیٹے کے پاس. جی دیکھیں, ویسے تو اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ اس میں ان کا ایز اے ڈیپینڈنٹ تو وہ نہیں اپلائی کر سکتے, لیکن چونکہ آپ کے پاس اسٹیٹس ایک ہے, اور جب انہوں نے یہ سیٹلمنٹ اسکیم نکالی ہے گورنمنٹ نے 2 مہینے پہلے, تو اس میں ذرا تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ہے, اتنا اسٹرکٹلی اپلائی نہیں کر رہے اس کو. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں تو ساتھ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اپلائی کریں کہ شاید ان کو بھی وہ دے دیں, ایز لانگ ایز سیٹسفائڈ ہوں کہ ریلیشن شپ ہے جینوئن ہے. تو کیونکہ ابھی اس کو یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے اس سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, جو عام طور پہ جو ای یو ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جاتا تھا. بڑی چیزیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ اسکیم میں نے دیکھی ہیں کہ ذرا گورنمنٹ زیادہ فلیکسیبل ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیے بھی اپلائی کریں اور ساتھ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اپلائی کریں. بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہوں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں آسمہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی بولیے, کیا سوال ہے؟ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہمیں لیو ڈیمینڈ ملی ہے ابھی دسمبر میں لاسٹ, تو ابھی ہم دسمبر میں جانا چاہ رہے ہیں پاکستان, تو ہمارے جو پاسپورٹ ہے وہ فنش ہیں, میرے 4 بچے ماشاء اللہ سے, ہسبینڈ وائف ہیں, تو کیا ہمیں پاسپورٹ بنانے پڑیں گے یا ہم اسی کارڈ پہ جا سکتے ہیں پاکستان؟
पासपोर्ट तो आपको बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि पासपोर्ट इज़ अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट। जब आप पासपोर्ट बनाते हैं क्योंकि उस पर फिर आपने वापस भी आना होगा, आपको पासपोर्ट बहरहाल आपके एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए, वो अनएक्सपायर्ड होने चाहिए। ओके, अगर दूसरा क्वेश्चन। जी जी बोलें। अच्छा, अभी तो हमारी ये लीव टू रिमेन हमें जो मिली है ये ढाई ढाई साल की है, लेकिन ये हमें हमारा 10 ईयर रूट पे हमें मिली है, तो हम अभी ढाई साल के बाद हमारे 10 ईयर पूरे हो जाएंगे, हम इनडेफिनेट अप्लाई करेंगे, तो इनडेफिनेट के बाद जो ये पब्लिक फंड है ये होते हैं या नहीं होते ये? देखिए, अभी आपको पहली वो मिली है लीव मेरे ख्याल में ना, अभी ढाई साल की, तो आप 10 साल आपको पूरे करने पड़ेंगे इसमें अगर आपको 10 ईयर रूट पर मिला है। फिर आप जब इनडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो पब्लिक फंड्स के लिए जो है, जो जिसके पास भी इनडेफिनेट होता है पब्लिक फंड्स वो ले सकता है, लेकिन अगर आप 7-8 साल बाद की बात कर रही हैं तो उस वक्त के हिसाब से फिर उस वक्त जो कानून होगा वो उस वक्त पता नहीं पब्लिक फंड्स अलाउ करते हैं या नहीं करते, पब्लिक फंड्स हैं या नहीं हैं, तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन करंटली स्पीकिंग जी, जिसके पास इनडेफिनेट है वो पब्लिक फंड्स ले सकता है। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड का वो जो लीव टू रिमेनिंग होता है ढाई ढाई साल की मिलती है उससे ना, तो वो तीसरी दफा अब गया हुआ है, तो 6 मंथ हो गए, अभी जवाब नहीं आया, 6 मंथ से ज्यादा हो गया है, तो उनको लेटर लिखा जाए या फिर ईमेल की जाए, क्या किया जाए? 6 मंथ से ज्यादा अगर हो गए तो उनको लेटर लिखें होम ऑफिस को। जी जी, कि आजकल वैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहरहाल चूंकि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो आप लेटर लिख सकती हैं। ओके, तो फिर ढाई साल के बाद फिर इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं। आपके हस्बैंड के पास स्पाउस वीज़ा है? हाँ जी। अगर उनके पास स्पाउस वीज़ा है और 5 ईयर्स के रूट पे हैं तो फिर जी बिल्कुल, ढाई साल के बाद जब उनको 5 साल यहाँ पे हो जाते हैं तो फिर उनको इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हैं मतलब वो। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फायजा इब्रार है। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्वेश्चन करना था कि मेरे पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन इस वक्त स्टेटस है, मैंने असाइलम अप्लाई किया था और नेक्स्ट ईयर मुझे इंडेफिनेट अप्लाई करना है, तो क्या मैं इंडेफिनेट अप्लाई करने के फौरन बाद पाकिस्तान जा सकती हूँ, और मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे कि जब मुझे इंडेफिनेट करना है तो? और उसके अलावा मुझे ये पूछना था कि कहते हैं कि मुझे क्या लाइफ इन द यूके का टेस्ट देना ज़रूरी है मेरे लिए? देखें, अगर आप किसी के पास रिफ्यूजी स्टेटस हो तो वो फिर लाइफ इन द यूके उसको नहीं देना पड़ता जब वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करता है। जब इंडेफिनेट मिल जाता है इस बेसिस पे, रिफ्यूजी स्टेटस की बेसिस पे, तो आप फिर जा तो सकते हैं पाकिस्तान स्ट्रेट वे, लेकिन अगर आप पहले जब आप एप्लीकेशन करते हैं सेटलमेंट की एप्लीकेशन, तो आप उसमें क्योंकि आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है यहाँ पे, रिफ्यूजी स्टेटस अगर मिला हुआ है, तो आप फिर जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शो करना पड़ता है कि अब आप अपने मुल्क क्यों नहीं जा सकते। और उस वक्त अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम्स वही उसी तरह हैं, मुझे ख़तरात हैं वहाँ पर, और फिर जो ही आपको इंडेफिनेट मिलता है आप फिर जब अपने मुल्क जाते हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कितनी देर बाद जाया जाए, क्या बेहतर रहता है? तो बेहतर तो ये होता है कि ऑब्वियसली अगर जब आपके हालात तो किसी वक्त भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये टू बी ऑन द सेफ साइड, कोई वो ना हो, जब किसी को नेशनैलिटी मिल जाए तो फिर ठीक है। और नेशनैलिटी कितनी देर बाद अप्लाई की जाती है और इसकी क्या फीस होगी इंडेफिनिटली ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के? देखें, नेशनैलिटी जो है वो आप जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है तो फिर उसके साल बाद नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बाकी की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। जनरली स्पीकिंग फ़ीस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कोई रिफ्यूजी स्टेटस किसी के पास अगर है तो वो उसको इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ीस वो फ्री है, मतलब होम ऑफिस की कोई फ़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? सर, शालीम बोल रहा हूँ। जी शालीम सर, आपकी सॉरी, ज़रा दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ बीच में। हेलो हेलो
جی شالیم صاحب بولیے, دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں سوال آپ کا, بیچ میں آواز آپ کی. میں سر اپنے مدر ان لا اور فادر ان لا کو وزٹ ویزے پہ یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں, اور میں یہاں پہ نیشنل ہوں, میری وائف بھی نیشنل ہے, ہم دونوں کام بھی کرتے ہیں جی, اور ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ذرا کوئی طریقہ کار جو ہے کیا اس کا پروسیس ذرا پلیز بتا دیجیے. دیکھیں طریقہ یہ ہے وزٹ ویزا کا, میں آپ کو جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وزٹ ویزا جب کوئی اپلائی کرتا ہے, جس طرح آپ کے مدر ان لا اگر فادر ان لا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں, تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز یہ کہ ان کو اپنے یہ شو کرنا ہے اور پروف کرنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ویل سیٹلڈ ہیں, ان کے اسٹرانگ سوشل اور اکنامک کنیکشنز ہیں, جس میں وہ جو بھی وہاں پہ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جو بھی ان کے فائنینسز ہیں وہ اسٹرانگ ہونے چاہئیں. اس کے علاوہ فیملی سٹرکچر کیا ہے کیا نہیں ہے, یعنی کہ اگر وہ ان کے وہاں پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, کون لک آفٹر کرتا ہے, کیا سچویشن ہے, اس سارے سلسلے میں اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ تو پہلا ایک اسپیکٹ ہے کہ اپنے ملک میں کتنے وہ سوشل اور اکنامک کنیکشنز ہیں. جو دوسرا پھر یہ ہے کہ ریزن یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں اور کوئی اسپانسر کر رہا ہے, تو پھر اس میں آپ کا رول آتا ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں آپ کے مدر ان لا اور فادر ان لا اور آپ کہتے ہیں جی میں خرچہ برداشت کروں گا, میرے پاس وہ رہیں گے, تو پھر آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹس, اپنی پے سلپس, اپنے گھر کے ڈاکومنٹس, جس سے یہ کنفرم ہو کہ آپ کے پاس انف جگہ ہے ان کو رکھنے کے لیے اور انف فائنینسز ہیں کیا جب تک وہ یہاں پہ مہینے دو مہینے رہتے ہیں تو آپ ان کو مینٹین کر سکیں گے. یہ جنرل میں نے آپ کو ایک بتا دی ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ, اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو 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 جی ہلو 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 جی جی ہلو کون سا بول رہے ہیں؟ جی میرا نام نرمل ہے. جی جی بولیے. ہلو جی جی ہلو جی جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ کا کیا سوال ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا بھیا کہ میں نے ہے نا اسپاؤس سے شادی کی تھی اور وہ ادھر یو کے میں بھی آ گئی تھی, اور اس میں کیا ہوا ہے کہ لڑکی ابھی ادھر نہیں, میری بیسس تو ادھر ہے نہیں, اور وہ کئی اور سوشل سروسز کے ساتھ چلی گئی, اور اس کو ہے نا لڑکی تو کی ہے ادھر یو کے میں, لیکن لڑکی کسی اور کی ہے. میں آپ کا سوری سمجھا نہیں آپ کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے ادھر لڑکی پیدا کی ہے اگر یو کے میں, ہلو اگر یو کے میں اگر اس نے لڑکی کا جنم ادھر اگر یو کے میں ہوا ہے, تو پھر اس کا حق مل جاتا ہے بھیا اس کو؟ ذرا میں آپ کا کیا, آپ کی وائف یہاں پہ آئی ہیں, ان کی یہاں پہ لڑکی ہوئی ہے؟ وہ انڈیا سے ہے, اسپاؤس کا ویزا اس کو مل گیا تھا. جی جی. اور وہ ادھر یو کے میں, مطلب وہ ہے نا وہ ریفیوج میں وہ سوشل سروسز کے ساتھ ہے. جی جی. ابھی گھر چھوڑ کر وہ بھاگ گئی, وہ گھر میرے ساتھ تو وہ رہتی نہیں میری بیوی. جی جی. تو جب اس کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا تھا نا, تو ہم لوگوں نے ڈاکیومینٹیشن بنایا تھا کہ اس کا ویزا ایکسٹینڈ کے لیے, لیکن کیا ہے کہ ابھی وہ گھر میں ہے نہیں, ہم لوگوں کی دونوں کی بنی نہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ اب ان کی بیٹی ہے, تو بیٹی کی بیسس پہ وہ یہاں پہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہیں, اگر بیٹی برٹش ہے ان کی. نہیں مگر اگر کسی اور کی ہے وہ تو دیکھیں, یہ مجھے اس میں وہ نہیں پتا کسی اور کی ہے, اگر کسی اور کی ہے بھی, بچی برٹش ہے یا نہیں ہے, اگر جس کی بچی ہے وہ برٹش ہے کہ نہیں, اگر وہ بچی برٹش ہے تو اس بیسس پہ اپلائی کر سکتی ہیں. پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ اگر وہ ریفیوج میں ہیں تو ان کی کیا سچویشن ہے, کیا سرکمسٹانسز, وہ سمجھتی ہیں کہ ابھی وہ جس کی بچی ہے ان کے ساتھ ہیں وہ یا نہیں ہیں, یا ان کو اپنے ملک میں خطرہ ہے, اپنے خاندان سے خطرہ ہے کہ اگر وہ واپس جاتی ہیں, تو یہ بڑی چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کے لیے. بہرحال اگر آپ نے ڈیٹیل میں بات کرنا ہو, بہتر ہے کسی وکیل سے جا کے مل لیجئے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے. ویورز آپ ای میل میرا نوٹ کرنا چاہیں تو اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں, کدھر جائیے گا نہیں. بیوی سے ناچاکی کی بدولت میرا بچوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, مگر زیک سولیسٹرز کی پروفیشنل رہنمائی کی وجہ سے اب میں اپنے بچوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہوں. زیک سولیسٹرز کی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ٹیم ہر طرح کی قانونی مسئلے میں
आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेयंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए ज़ैक एसोसिएट्स सॉलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208-478-1391। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं ज़ाकिर खान। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अहमद खान है जनाब। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने अप्लाई मैरिड किया था 2016 में, तो एक दो बार केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वापस अप्लाई की, कोर्ट में भी एक बार चले गए तो वो भी, तो अभी आखिर उन्होंने फिर अपील का मौका दिया था। अब 2 महीने हो गए हैं, कोई जवाब सवाब नहीं आ रहा, तो ये बात ये मैं पूछ रहा था, क्या उनसे पूछ उनको अभी आपने भेज सकते हैं या ईमेल वगैरह जवाब लेने के लिए? अभी आपने अपील की है ना? जी 2 महीने हो गए हैं। जी देखिए, अपील पे टाइम लगता है, अपील पे जो है कम अज कम 4 से 6 महीने का टाइम लगता है कम अज कम आमतौर पर, तो इसलिए अभी 2 महीने हुए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आपने अभी अपील किया, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कोई आप चाहते हैं कि अपील जल्दी सुनी जाए तो फिर आपको कोई रीज़न देना पड़ता है, ऐसा रीज़न कि आप कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि उसमें ज़रूरी है कि हेयरिंग जल्दी हो। अगर कोई ऐसा रीज़न है तो फिर आप कोर्ट को लिखेंगे। कोर्ट की तो अपील नहीं ना, वैसे ही अपील की है कोर्ट ने, अभी नहीं, अब वो तो उनकी वेट कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं, कोर्ट में अपील नहीं है तो किधर अपील है? वो उनके इमिग्रेशन जो उनकी शफील जो उनका महकमा वहाँ पर, तो अच्छा तो है, तो अपील कोर्ट में ही है ना फिर? ये जो अपील है कोर्ट के पास जाती है? देखें एक सेकंड, या तो आप बात कर रहे हैं एप्लीकेशन का, अगर आपने शफील में एप्लीकेशन की है, या फिर अपील है। अगर अपील की है तो वो ट्राइब्यूनल में होती है इमिग्रेशन की, तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की। अगर आपने अपील के लिए की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तकरीबन इतना टाइम मिनिमम लगता है, 4 से 6 महीने। अगर आपने एप्लीकेशन की हुई है शेफील्ड में और उसकी बात, उसमें भी टाइम लगता है, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है आमतौर पे, तो आपको फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा। और आपको कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि आपका क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे एग्जैक्ट मालूम करें कि क्या सिचुएशन है, आपकी अपील है, आपकी एप्लीकेशन है, क्या है, और फिर आप चाहें तो दोबारा इस प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर डिटेल में बात करनी हो तो मुझसे रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो हेलो, मेरा नाम सहर है जी, और मैं इस वक्त इंडेफिनिट पे हूँ, और मेरे हस्बैंड के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। मेरा एक बेटा है जिसकी 6 ईयर्स है, और बट वो इस वक्त टियर 2 वीज़ा पे है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप पे अप्लाई करूं तो क्या वो अप्रूव हो जाएगा? आपका बेटा जो है उसकी बात कर रही हैं कि वो टियर 2 पे है? जी, टियर 2 डिपेंडेंट, विदाउट इंडेफिनिट, आई मीन इफ आई डोंट अप्लाई फॉर इंडेफिनिट, तो क्या मैं स्ट्रेट अवे उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप पे अप्लाई करूं तो इसको एंटाइटलमेंट है कि उसको मिल जाएगा? नहीं, वो स्ट्रेट अवे तो ब्रिटिश सिटीजनशिप तभी वो कर सकता है ना, कि वो बच्चा अगर जब पैदा हुआ हो तो या तो उसके फादर के वो यहाँ पे पैदा हुआ यूके में, और फिर उसके किसी एक पेरेंट के पास इंडेफिनिट है, ये तब पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर जब वो पैदा हुआ तो उसका फादर के या मदर के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर स्टेट ऑफ नेशनलिटी के लिए उसके पासपोर्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आपको फिर पहले उसको थ्रू जब उनका टाइम होता है इंडेफिनिट, और फिर उसके बाद उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न, या फिर उसको यहाँ पे 10 साल हो जाते हैं और यहाँ पे पैदा हुआ, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है उसकी। बेहतर है इस सिलसिले में किसी वकील के पास जाके बात कर लें डिटेल में। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बात कर रहा हूँ, ज़ाकिर भाई कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं EU नेशनल हूँ, और मेरा रिसेंटली भाई एक्सटेंडेड फैमिली वीजे पे अभी आया है, इधर 1 मंथ हुआ है जी। तो उसका एक्सटेंशन के लिए EU सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा या जो पुराना रूट है उसके साथ, और क्या रिक्वायरमेंट? अभी अभी वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है जी। हाँ, मेरा ब्रदर है और 1 मंथ हुए उसे अभी आए हुए।
तो उसको वो अभी प्री सेटल स्टेटस के लिए सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर दे, देयर इज नो हार्म, क्योंकि उसको मिला तो हुआ है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उसमें वो जो सेटलमेंट स्कीम है उसमें वो प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर दे, और फिर उसको 5 साल के बाद उसको वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेगा। तो ये ईयू सेटलमेंट स्कीम में इसी रूट में अप्लाई करना पड़ेगा जी, इसी में एक्सटेंशन, इसी में प्री सेटल स्टेटस के लिए जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? जी भाई, ये पता करना था कि हमने 7 साल बच्चों की बेस पे केस डाला था, तो लेकिन उन्होंने होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया जी जी, तो अभी उन्होंने अपील दे दी है, तो अपील हमने जमा करवाई है, तो अभी इसकी क्या होप है कि आगे हमारा हो सकेगा कि नहीं? देखें, 7 साल बच्चों की बेसिस पे आमतौर पे मजबूत केस होता है, तो मेरे ख्याल में आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे वैसे तो हम पाकिस्तान से जो मेरे बच्चे 2 आए थे उनकी बेस पे हमने डाला था जी जी, तो अभी जो इधर 2 बच्चे हैं उनका साथ नहीं डाला था, इसलिए कि हमारे पास अभी इतनी फीस नहीं थी जी, तो बड़े बच्चों की बेस पे डाला था, तो होम ऑफिस कह रहे हैं कि आपके बच्चे बड़े 18 से ऊपर हो गए तो वो पाकिस्तान जाके सरवाइव कर सकते हैं, तो अभी उन्होंने अपील भाग दे दी है, वो हमने डाल दी है, तो अभी ये पूछना चाह रहे थे क्या ये जो दो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, जो 2 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनकी क्या एज है? बेटी की 4.5 साल है और दूसरी बेटी की 1 साल। और जो पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने यहाँ पे कितना टाइम गुजारा है? उन्होंने ये हमें वैसे 9 साल होने वाले हैं, लेकिन हमने 7 साल की बेस पे डाला था जी जी। तो आपके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, तो मेरे हिसाब से एक मजबूत केस है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अपील पे होपफुली आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? माय नेम इज सहर एंड आई एम जस्ट कॉलिंग रिगार्डिंग, मेरे बच्चों को 7 साल हो गए इस कंट्री में, लेकिन इससे पहले मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं एक विडो की तरह आई थी और मैंने केस फाइल किया था, और करके मैंने जो है ना अपने केस को काफ़ी देर फाइट किया था, उन्होंने मुझे केस की सूरत में दे दिया था, पहले एक्सेप्ट कर लिया था, बट जब उन्होंने जो डिसीजन दिया था उस पर उन्होंने कहा था कि ये लॉ ऑफ एरर की वजह से उसको इमिग्रेशन ने जो है ना उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया था, एंड उन्होंने वो मेरा जो केस था उन्होंने मतलब इमिग्रेशन के जो एलिगेशन थी उसकी वजह से डे के वीजा उन्होंने ले लिया था, फिर मुझे मेरे वकीलों ने कहा था कि आप इसको यूं करें कि वेट कर लें, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है, और अब हमें यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 7 साल होने वाले हैं, हमारे पास तकरीबन अब 4-5 महीने रह गए हैं, एंड मुझे किसी ने बताया था कि मुझे अभी वेट करना चाहिए क्योंकि वो केस तो अगर विड्रॉ हो भी गया है तो 7 साल की बेस पे मैं अपना केस फाइल कर सकती हूँ, इसी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी कि आया कि अब जो मैं केस फाइल करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी अभी 17 साल की 18 की नहीं हुई, तो मुझे कौन सा टाइम बेस्ट है, क्योंकि उसके 18 साल होने से पहले पहले मुझे फाइल करना है केस, तो कितने महीने पहले मुझे ये केस फाइल करना चाहिए, और आया कि क्या पोजीशन है इस हवाले से मेरे लिए? देखें, आपकी बेटी 18 साल की जब होती है उससे पहले उसको 7 साल तो हो जाएंगे ना यहाँ पे? जी वो तो पहले ही हो जाएंगे डेफिनेटली, तो जब उसको 7 साल हो जाते हैं जो कि आपने बताया 4-5 महीने रहते हैं, तो जी जी जी, तो जब 7 साल हो जाते हैं तो उस वक्त आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो कितने दिन पहले करना चाहिए, क्योंकि वो होगी 21 दिसंबर को जाके 18 साल की, तो उससे पहले पहले मैं मुझे तो किसने बोला था कि मैं 15 दिन पहले भी अगर अप्लाई कर देती हूँ जी, 7 साल कब, 7 साल सॉरी 7 साल कब हो रहे हैं पूरे? जी जी 7 ईयर्स का। वो कब हो रहे हैं पूरे? वो हो जाएंगे तकरीबन 12 दिसंबर को। तो आप दिसंबर के शुरू में अप्लाई कर सकती हैं, फिर शुरू में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके चांसेस हैं, क्योंकि छोटा बेटा मेरा जो है वो अभी छोटा है,
और ये दो ही बच्चे हैं और एज अ विडो जो अब जो मैं अप्लाई करूंगी पिछले केस को फॉरगेट करके इस नए केस के ऊपर अप्लाई करूंगी। देखिए पिछले केस का तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, आपने मुझे थोड़ा बहुत बताया है कि आपको वीजा मिला था, फैमिली के ऊपर मैंने किया था क्योंकि मेरी ओल्ड फैमिली यहाँ पे है, मेरे मम डैड मेरे बहन भाई सब यहाँ है और मैं अकेली वहाँ पे थी और जब मेरी विडो हुई तो डेफिनेटली आई हैव नो वन ओवर देयर लेफ्ट ओवर सो मैं वहाँ से यहाँ। अगर ऐसी सिचुएशन है, मल्टीपल वीजा था, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या आपका कोई भी पाकिस्तान में नहीं है बच्चों को यहाँ पे रहते हुए, अब आपकी एक बच्ची को 7 साल यहाँ पे हो जाएंगे दिसंबर में, दूसरा आपका बच्चा आपने क्या बताया था कितनी एज है उसकी? अच्छा बहरहाल मेरे ख्याल में कॉलर जा चुकी हैं मिस सहर, लेकिन दूसरा भी आपका बच्चा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, आपको यहाँ पे रहते हुए टाइम भी हो गया है, तो मेरे ख्याल में अच्छा एक मजबूत केस बन सकता है। आपको चाहिए इस सिलसिले में किसी वकील के पास जाइएगा और बेहतर से बेहतर तरीके से अपना केस प्रेजेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, मेरा ख्याल मैं एक मरतबा रिपीट करूँ व्यूअर्स के, जब आपको कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो सर, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, कोमल बात कर रही हूँ लंदन से। एक्चुअली मेरे भाई के बारे में पूछना था। जी, उसका स्टूडेंट वीजा है और उसके एक मॉड्यूल में एक्चुअली वो फेल हो गया था और पेपर में भी, तो उसका वीजा एक्सपायर हो गया 31 मई को और वो पाकिस्तान भी जा चुका है वापिस, तो अब यूनिवर्सिटी वाले उसे कैश इशू नहीं कर रहे और वो उन्हें कह रहे कि शॉर्ट टर्म वीजा लेके यहाँ पे आना है, तो इसका सोल्यूशन बता दें किस तरह से ये होना चाहिए प्रोसेस, क्योंकि अभी उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब तक उसको कैश नहीं मिलता तो उसको वीजा तो इशू नहीं होगा ना, उसको कैश के बगैर। लेकिन उसके यूनिवर्सिटी वाले कैश इशू नहीं कर रहे, तो अब वो किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई नहीं कर सकता, ये किसी और कॉलेज में? नहीं, उसका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और क्योंकि उसका एक मॉड्यूल अभी रहता है कंप्लीट होने में, क्योंकि उसने एक मॉड्यूल पास नहीं किया था। जी जी, हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी वाले कैश इशू नहीं कर रहे, तो इसका कोई वे आउट बताएं कि वापस वही आपको आके अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकता है। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी कैश इशू नहीं करती तो वो फिर उसको वीजा तो इशू नहीं होगा, उसका तरीका या तो ये है कि किसी दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो कोशिश करें और उनको दोबारा से कोर्स करना पड़े, लेकिन कैश के बगैर उनको वीज़ा इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है इसलिए मैं मज़ीद कॉल्स नहीं ले सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को शाम 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरा ईमेल एड्रेस आप नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे ये ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पे आप मुझसे डायरेक्टली प्रोग्राम के बाद भी रابطہ कर सकते हैं। अगर आपने मुझसे मुलाकात करनी हो तो इसी ईमेल एड्रेस पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मुश्किल कानूनी मसाइल से डील करने के लिए आपको ज़रूरत है एक ऑथेंटिक लॉ फर्म की, एक ऐसी फर्म जो मजबूत और पॉजिटिव रेपुटेशन रखती हो। आपको ज़रूरत है ज़ैक सॉलिसिटर्स की, जिसकी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेयंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए ज़ैक एसोसिएट्स सॉलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208-478-1391